फिर वो और ये हमारी लड़ाइयों में तो आप तब जाते हो तो क्या करते हो? कुछ हम दोनों देते के साथ हो मसला ये है कि हम दोनों चुप हो जाते हैं, एक दूसरे को स्पेस देते हैं और फिर व्हेन देन वी सिट टुगेदर एंड सॉल्व इट। बाकी कारा ले केंद्र को शुक्र है यार, चुप की इतने ना बोल दे, हमारे घर में सिर्फ हम दोनों ही हैं। और वो चुप कितने अरसे चलती है? नहीं नहीं, एक दो घंटे बस। या जस्ट टाइम टू कूल डाउन एंड देन सिट टुगेदर अगेन एंड टॉक। आई थिंक सिविलाइज होना ना हर लड़ाई में भी आर्ग्यूमेंट में भी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको लगता है कि यार इतनी लड़ाई हो रही है और ये बात ज्यादा हीटेड हो सकती है, और आप अपने मियाँ बीवी को ना कोई 24 घंटे मोहब्बत नहीं कर रहे होते, आपको 24 घंटे वो शख्स पसंद नहीं आ रहा होता, सेम गोज फॉर योर सिबलिंग, सेम गोज फॉर योर फ्रेंड्स आल्सो। तो मुझे लगता है कि शख्सियत होती है एग्जैक्टली, अगर आपको कूल डाउन करने के लिए थोड़ी सी स्पेस चाहिए ना तो वो ले लेनी चाहिए। यू आर टू यंग माशाल्लाह, मगर ये जो इतना शऊर है और इतना विजडम है, ये कैसे आया आप में? फैमिली से आया, माँ बाप ने सिखाया, पढ़ के आया, कैसे? आई थिंक आप मेरी फैमिली को जानते ही हैं, उन सारी खवातीन उस सारी खवातीन जो है ना बहुत ज्यादा ठहराव डोमिनेटिंग भी है, बहुत ठहराव वाली भी है। हाँ, बहुत ठहराव और वो और सबने बहुत रिश्ते अपने अच्छे चलाए। एग्जैक्टली माशाल्लाह। सो आई फील लाइक कुछ आपकी अपब्रिंगिंग में भी आता है, कुछ आप अपने इर्द गिर्द के दोस्तों से भी सीखते हैं। जैसे मुझे मेरे खानदान में कभी किसी ने नहीं बोला कि जल्दी जल्दी शादी करो। I got married when I was 30 and when I found the right guy, और मेरे और अमान में भी अच्छा खासा इस डिफरेंस है, लेकिन वी अमान की क्या उम्र है? अमान और मुझ में 13 years का डिफरेंस है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो which is a very substantial difference है। अच्छा, मेरा ना 11 साल का डिफरेंस है, लाला इस पे बात नहीं करनी चाहिए। कभी इंशाल्लाह मौका मिलेगा मैं और अमान साथ शो पर आएंगे। ही आल्सो एक्ट्स लाइक ओ ये बहुत बड़ी है, बहुत मैच्योर है। मैं तो आई एम लाइक, और मैं बोलती हूँ कि आई एम लाइक रेजिंग अ किड एज इज, वॉइस का। लेकिन अच्छी बात है, आप हंसी खुशी में दोस्ती आ रही। शायद भी अपने घर से सब तो छोटे ने, अपने बड़े मुंडे कह रहे यार मैं तुमसे छोटा हूँ, कोकल छोटों के साथ ऐसे बात करते हैं। दो अपनी टी शर्ट मुझे पहनाओ। देख यार जूता तो पहन के आया आज उसका। टी शर्ट भी होती है। नाज़िम स्टे विद अस, स्टे विद अस। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद हैं चुलबुली, नटखट और बहुत ही समझदार मरियम नफीस। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़िम जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली मरियम नफीस। और मरियम, हमारा सेगमेंट है ब्रेथलेस 2020। लेकिन मैं उससे जाने से पहले एक सवाल जो पहले रह गया था वो ये रह गया था कि भाई इजहार कैसे किया था? दोनों क्रिएटिव लोग हैं, कोई मुख्तलिफ तरीके से किया था या रूटीन में कि बस? नहीं, मुख्तलिफ तरीके से। मेरे अब्बू से मिल लो। नहीं, अमान को पता है कि मुझे इस्लामाबाद कितना पसंद है, और इस्लामाबाद में एक वो स्पॉट है जिसके बारे में मैं उनको अक्सर बताती थी, फ्रॉम कराची। सो उनको मैं बताती थी कि वो एक स्पॉट है जहाँ पे आप, एक जगह होती है ना जहाँ आप अपसेट होते हैं या खुश होते हैं या कुछ सोचने जाते हैं, तो वो दामने को जाते हुए बीच में रास्ता आता है जहाँ बीच चौक, बीच चौक बीच चौक से ऊपर चढ़ जाए आप। तो यू नो, हम पैर नीचे लटका के माउंटेन पे बैठ जाते थे। तो मैंने उनको बताया था, फिर एक दफा जाके मैंने उनको दिखाया भी कि हम यहाँ बैठते थे एंड वी सैट देयर फॉर अ बिट। तो उन्होंने मुझे वहां पे प्रपोज किया था। अरे वाह वाह, इसके लिए मुंडे बड़े काबिल होते हैं, पता होता है मुझे कितने हाँ करनी है। Are you ready? Yes. Shyam pasand hai. Trolls. Of course, everybody is against trolling. Yeah, yeah. Okay. I think aapko hamari awam bahut zyada judgmental ho gayi hai. Let people be. Let them live their lives. Ji, please. Aap apna kaam kare, aapki zindagi mein itna time hai, aap dusron ke peeche chale. Acha, dandasa. वो क्या होता है? हाँ, मुझे पता था, इसलिए तो पूछा। दंदासा होता है। एक मिनट, गेस करो दंदासा क्या होता होगा। गद्दासा तो मुझे पता है क्या, गंदासा वो नहीं होता, एक मौला ने मौला ना मारे। हाँ, 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 उसको क्या कहते हैं? गंदासा नहीं गंदासा होता। गंदासा के वाह गंदासा। आपकी अलिफ्बे अच्छी है, आप कहती हैं नहीं, आप उसको स्पेल कैसे कर रही हैं? गाफ नून दाल अलिफ। वाह, गंदासा वो ये है, गंदासा वो है, गंडासा डाल के साथ। अच्छा, डाल है, डाल है, गंडासा। गंडासा है। I was close. हाँ, of course, डाल और डाल में कौन सा को बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन गंडासा क्या होता है?
हाँ, दंदासा बताओ भी क्या होता है। दंदासा बेसिकली कान में, जब आपके खारिश हो रही है तो आप कान में लगाते हैं, उसको कहते हैं दंदासा। कोई समझाने वाली बात किया करो, क्या कान में खारिश हो रही है? तंग कर रहा है यार। दंदासा एक ब्रांड है जिसके आजकल पर्स बड़े मशहूर हैं। हाँ जी, एलवी के और इसके, ऐसा कोई ब्रांड नहीं है दंदासा। ना एक छाल सी होती है, छाल भी दसों की स्किन कह लो, दरख्त की उससे दांत साफ करते हैं, ये होता है दंदासा। मस्वाक, नॉट मस्वाक, एक तो वो मस्वाक नहीं नहीं मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता ना, मुझे जानना ना, मुझे यूज करना है मस्वाक जैसी ही चीज है, मस्वाक ही तरह की एक चीज है जो ऑर्गेनिक है, और जब आप दांतों में मलते हैं दांत साफ हो जाते हैं। उसमें कमाल ये है कि उसका कलर जो है ना वो होंठों पे भी आता है। हाँ, पुराने दौर में लड़कियां उसकी लिपस्टिक बना लिया करती, जब लिपस्टिक नहीं थी ना, लिपस्टिक तो हाँ, तब वो दंदासा। मेरे दौर में लिपस्टिक्स हैं और लिप ग्लॉस भी हैं। ओह माय गॉड, करेले। यस, बंदा भावे कराची रहिंदा होवे, करेले वाला पछाड़िया जांदा। कराची करेले से क्या ताल्लुक? नहीं नहीं, ख्याल ये है कि जो हमारे म्यूजिक के और मिजाह के दोस्त है ना, उनको करेले गोश्त बहुत पसंद होते हैं, यूज सेंस में कहते हैं। तो आर्टिस्टों को बहुत अच्छा, ये मुझे पसंद, ये मुझे नहीं पता था। ये नहीं था पता ना आपको? आर्टिस्टों की खास डिश है ये। ये हमें भी नहीं था पता, ये शाह जी ने बताया हमें। हां जी, हां जी। लस्सी मीठी वाली, यस मीठी वाली पसंद है। अरे वाह, साग, यस, जलेबी, यस, बड़ी देसी किस्म की कुड़ी यार, काफी ज्यादा। आई एम अ ह्यूमंगस फूडी। बीचेस, यस, कहां के? देखिए, हमारे पाकिस्तान में तो बहुत खूबसूरत बीचेस हैं, अगर हम उनको मेंटेन करें। कराची का तो हमने हाल ही खराब कर लिया, गडानी वाला बहुत खूबसूरत है, और फिर आगे गवादर, और आगे नथिया गली वाला बीच बहुत प्यारा है। नथिया गली, नथिया गली भी एक बीच है। अच्छा, वहाँ पे जी, अच्छा, जो नेवी के अंडर आता है। सो वो क्योंकि जाहिर उन लोगों ने मेंटेन किया हुआ है, कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, तो बहुत अच्छा मेंटेन है। बट माई फेवरेट बीच अप अंटिल नाउ इज मालदीव्स। शदीद नापसंद। शुतुरमुर्ग, हाँ मतलब मोर, मोर पसंद। मगरमच्छ, शदीद नापसंद। परांदा, क्या वजह है कि आज की जो नस्ल है, आप जैसी जो बच्चियां हैं, वो अब उस तरह से परांदे फॉरवर्ड, अब फॉरवर्ड कटिंग चल गई है ना? नहीं, आई थिंक हम अभी भी प्रेफर करते हैं लगाना उस तरीके से। फिल्मों में पंजाब का जब हम कल्चर दिखाते हैं, गांवों का, वहां तक महदूद कर दिया। हाँ, मुझे याद है जब हम छोटे थे ना, तो हमारी ईद का एक वो होता था कि या चांद रात पे परांदे लगा लो, या ईद के दूसरे दिन, पहले दिन लगा लो। ऑफ कोर्स आप सही कह रहे हैं, थोड़ा सा हम उसको छोड़ते जा रहे हैं, बट